You know, there is something about Indian constitution, especially the active principles of states. Sir, active principles of state policy, so may I answer in Hindi? जिसके द्वारा हमारे संविधान में बताया गया है कि कैसे हमारी राज्य सरकार काम करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स। और सर ये नीति निर्देशक तत्व है कि हमारे समाज में जो लोअर मतलब दबे कुचले वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उनको किस तरह से हम ऊपर ला सके, उनको इकोनॉमिक जस्टिस दे सके, सोशल जस्टिस दे सके, पॉलिटिकल जस्टिस दे सके, ये सारा उसमें गाइडेंस। भारतीय संविधान में ऐसे तीन निर्देशक तत्वों के बारे में बताओ, इसमें इसके बारे में सरकार ने कानून बना करके उसमें इसको इनैक्ट किया है। सर राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सबसे पहले है, उसके बाद सर राइट टू फ्री लीगल एड है, नासा के द्वारा वो दिया जाता है गरीबों को, और उसके बाद सर एक तो है सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसको सर पंचायत को और 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पुलिस पार्टीज का गठन किया गया। इवन ऑल आईपीसी का सेक्शन 402 सर आईपीसी का सेक्शन 402 जो है वो डाउरी डेट से रिलेटेड होता है कि अगर जैसे जब किसी महिला की शादी होती है और उसको अगर डाउरी के लिए डिमांड किया जाता है और फिर अगर वो उसके पेरेंट्स डाउरी नहीं दे पाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो क्रुएल्टी होती है और अगर उसके बाद उस क्रुएल्टी के कारण उन रिलेटिव्स के द्वारा जो क्रुएल्टी की जाती है उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसको डाउरी डेथ माना जाता है। ये बताओ कि बिहार में अभी कहा जाता है कि यहाँ पे फ्लड बाढ़ जो बहुत बड़ी समस्या है, और जो की हमारे जो नेचुरल समस्या है उसका समाधान कैसे? सर समाधान तो सबसे पहले हमको नेपाल के साथ जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है उनके द्वारा हमको नेपाल को थोड़ा मतलब उसको कॉन्फिडेंस में लेके हमें उसको समझाना होगा कि मतलब वो उतना पानी नहीं छोड़े हमारे इलाके में जिसकी वजह से बाढ़ आता है। दूसरी बात ये है कि हमारा अपना जो नदियां हैं हम उसको थोड़ा सा डायवर्जन कर सकते हैं, कैनाल्स बना सकते हैं, एम्बैंकमेंट कर सकते हैं उसका, और जो जमीनी मतलब जो लोअर लेवल पर लोग रह रहे हैं उनको अगर हम पहले से एवैकुएट कर दें। आपने भी नाम लिया कैनाल्स वगैरह, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वाटर स्कीम 2004 के आसपास रियलिटी नहीं आ पाई, लगता है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। सर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि देश में ही वो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है सर, लेकिन उसके जो आउटपुट कॉस्ट है जो इनपुट में उसमें लगेगा और उसके बाद जो आउटपुट उसका निकलेगा उसमें सर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। इनपुट कॉस्ट उसमें इतने ज़्यादा होंगे, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज हो जाएंगे और प्लस सर इंटर वाटर ट्रीटीज जो होती हैं हर राज्य के बीच में, तो हम देख रहे हैं कि वो मतलब उनका सही समाधान नहीं हो पाता है, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, महानदी पर डिस्प्यूट है, तो सर अगर हम बिहार में कर देते हैं वो करना चाहिए सर, लेकिन मेन बात ये है कि नदियाँ नेचुरल बाउंड्रीज बनाती हैं तो वो किसी मतलब एक चैनल से फ्लो नहीं करती हैं, वो अपना अलग अलग चैनल बनाती हैं, अलग अलग रास्ते से गुजरती हैं, तो बहुत सारे राज्यों को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ जाएगा जो उतना आसान नहीं होता। नेपाल की मैं आपने बोला कि नेपाल पानी क्यों छोड़ रहा ज्यादा, हमारी विदेश नीति में दिक्कतें आ रही है या भूगोल ही ऐसा है कि उसके लिए मजबूरी है कि नेपाल छोड़ नहीं। सर नेपाल का जो ज्योग्राफिकल इलाका है वो सर वो खुद माउंटेन से घिरा हुआ है, तो जब ज्यादा पानी होता है तो वो खुद को बचाने के लिए वो फिर नीचे पानी छोड़ देता है, वरना वहाँ पर भी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्या आपको लगता नहीं जो समझौता जो ट्रीटी हुआ था भारत नेपाल के मन में कि जब भी पानी छोड़ेगा वो सूचना सीधे दिल्ली को देता है, क्यों नहीं दिल्ली और पटना को एक साथ सूचना दे, क्योंकि जिस नॉर्थ बिहार की बात है जितना संवेदनशीलता हमारी होगी पटनावासी की होगी उतना जो दिल्ली वालों की नहीं होगी, क्या ये मानते हैं कि सुधार होना चाहिए? सर इसमें दोनों ये सर ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, इंडिया भी है, नेपाल भी है और बिहार भी है, तो सर जब भी कोई एग्रीमेंट होगा इन तीनों को साथ में आकर एग्रीमेंट, तीनों एक साथ संभव है, दो राष्ट्र की बात है, एक राज्य कहा जाएगा
हम दिल्ली पर दबाव बना सकते हैं कि नेपाल पर दबाव बनाएंगे, एज अ बिहार आप सोचिए कि कहाँ दबाव बनाएंगे दिल्ली पर के नेपाल में। सर चूंकि वो हमारा पड़ोसी राज्य है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा राजनीतिक देश है, तो उसके उसके साथ हम लोगों को थोड़ा सा मिल पाएगा। बिहार को करना पड़ेगा कि भारत भारत पर दबाव बनाएंगे सर। एक्चुअली सर जब कोई फ्लड आती है तो सबसे ज्यादा जो हमें सहायता देता है वो सेंटर ही देता है, तो अगर सेंटर मामला दो राष्ट्रों का है ये ध्यान रखिएगा। मैं आपसे ये जाना क्या बिहार को बिहार नेपाल पर दबाव बनाए या बिहार दिल्ली पर दबाव बनाए? सर दिल्ली पर बनाना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेशनल रिटी के हमारे संविधान इस इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकते हैं? सर इसके अलावा जैसे हम बड़े बड़े पॉन्ड्स बना सकते हैं, कुआं खोद सकते हैं, ड्राई लैंड की तरफ उसको पानी। आपको पता है कि कोसी पर 8 योजनाएं तैयार की गई है सुपौल से शुरू हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ आइडिया है? वर्तमान सरकार ने 8 योजनाएं बनाई है, कनाडा का सहयोग मिला है, फ्रांस का सहयोग मिला है, डैम चल रहा है, बनने का काम चल रहा है, जिससे फ्लड का कंट्रोल फ्लड का जो करेंट होगा वो कम रहेगा। उसके बाद कुछ आइडिया है आपको? सर आइडिया तो नहीं है, सुना है आपने। बट मेरा ये मतलब राय है कि अगर जो नदी बह रही है उसके पहले कि वो उसके मतलब पानी बहुत ज्यादा हो जाए हमको उसको डाइवर्ट करके जो जो मतलब सूखे इलाके हैं उनमें हमको उसको देना पड़ेगा। जैसे हमारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इस पे बहुत अच्छा काम करता है कि बहुत लेकिन कितने मुश्किल है लैंड डिस्प्यूट मामला कितना मुश्किल होता है, जिसके खेत से आप नहर ले जाएंगे वो क्या चुप रहे ना कि कोर्ट का मामला है। लेकिन सिंचाई के लिए भी तो फिर किसान बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और चूंकि बिहार की सारी अर्थव्यवस्था ही मॉनसून। आप वकालत भी कर रही है चल रही है तो नहीं लगता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका को काम करने नहीं देती? सर ऐसा तो नहीं है सर, मैं इस बात से सहमत नहीं होती हूँ। कई आरोप लगे हैं सर, चूंकि हमारे संविधान ने तीनों ब्रांचेस सरकार की जो तीनों ब्रांचेस है उनको अलग किया हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं थोड़े पीछे हो जाते हैं, तो फिर जुडिशियरी को थोड़ा एक्टिव होना आना पड़ता है। अच्छा दलवीर भंडारी के बारे में क्या जानती है? सर जस्टिस दलवीर भंडारी अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग में सिचुएटेड है, वो यूएनओ की एक एजेंसी है स्पेशलाइज्ड, तो उसमें वो भारत की तरफ से और वो एक परमानेंट जज। अभी तक कितने हो गए हैं? सर अभी तक 4 हुए हैं। नाम सब याद है? सर नाम कितने साल का इनकी ज्वाइनिंग हुई है? सर इनका कार्यकाल 9 साल का होता है। अच्छा आईजेसी जो है इंटरनेशनल जो कोर्ट जो है उसका क्या बात मानने के लिए भारत या पाकिस्तान या कोई अन्य देश क्या बाध्य है? सर वो सॉवरेनिटी को रखकर वो बाध्य नहीं है सर, क्योंकि वहाँ पर यूएनओ के वो मेंबर्स हैं, इसीलिए वो क्योंकि वो यूएनओ की संस्था है तो उससे उसके बात को मानते हैं लेकिन वो बाध्य नहीं है। ऑनर्स में आपका क्या हिस्ट्री रहा है? सर क्योंकि मैं चूंकि प्रशासन में आना चाहती हूँ तो सर मुझे ये था कि लीगल सिस्टम में समझना चाहती हूँ भारत का, इसीलिए मुझे लगा कि लॉ से बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता है अगर मुझे लीगल सिस्टम को समझना है बेहतर तौर पर, क्योंकि प्रशासन में अगर आना है तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ उनको डील करना पड़ता है। प्रशासन का सबसे बेहतरीन है आपको हिस्ट्री में आपको काम मिलता है सर, खासकर सर शेर शाह सूरी का प्रशासन मुझे बहुत काफ़ी इंस्पायर करता है। कई लोग सिंधु मानते हैं, बेहतर प्रशासन में सिंधु को मानते हैं सिंधु काल को। सर सिंधु में कोई ऐसा माना जाता है कि मतलब प्रीस्ट का शासन था वो कई मतलब नगर प्रबंधन के रूप में माना जाता है। नगर प्रबंधन लेकिन अगर सिंधु सभ्यता कहना उचित होगा कि हड़प्पा संस्कृति कहना उचित होगा? सर वो दोनों ही एक ही है। एक ही है लेकिन वरीयता किसी एक को, अधिकांश विद्वान क्या मानते हैं? अधिकांश विद्वान सर हिस्ट्री में ऐसा होता है कि जहाँ पर जिस जो नया स्थल ढूंढा जाता है उसके ही नाम पर सभ्यता पड़ती है, पहली जहाँ होती उसी को माना हड़प्पा संस्कृति कहना चाहिए।
क्योंकि अब सिंधु का क्षेत्र से बाहर हो चुका है। और क्षेत्र कहाँ कहाँ कुछ आइडिया है भगवान, ये मैप पर अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ? हाँ सर, अगर उसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को देखते हैं फैलाव को, तो कश्मीर जो कि मांडा में है, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर उसका नॉर्थ जम्मू कश्मीर में जम्मू या श्रीनगर अफगानिस्तान में कंफर्म है। बिहार में इंडस्ट्रीज का विकास क्यों नहीं? सर किसी भी इंडस्ट्रीज का विकास के लिए जो मूलभूत जरूरतें हैं, बिहार में नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है लॉ एंड ऑर्डर। इंडस्ट्री वहीं पर आती है जहाँ पर शांति होती है। तो अब चूंकि हम देखते हैं कि, और प्लस बिहार का जो नेचुरल प्रोफाइल है, चूंकि यहाँ साल के 6 महीने बाढ़ पीड़ित होते हैं, तो कोई भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आकर निवेश नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसको उसका वापस नहीं मिल पाएगा। लेकिन हमारी सरकार उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर उनको देना पड़ेगा, ताकि कोई भी उनसे फिरौती या रिश्वत वगैरह नहीं मांगता है। ये एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है उनके लिए। दूसरी बात ये है कि लेबर लेबर जो होता है वो बहुत जरूरी है, तो लेबर लॉज में भी बहुत सारे सुधार किए गए हैं। और सर तीसरा अगर हम बात करें तो उनको सर मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा भी हो सकता है। इंडस्ट्री का तो कहना है कि हमारे पास जो लेबर है वो कुशल है नहीं, और स्किल इंडिया की जो 2018 की रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा गया है कि मात्र हमारे 8% युवा जो है वो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। बिहार सरकार तो उसके लिए काम कर रही है। स्टार्टअप पॉलिसी जो बिहार सरकार की आई है, और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी भी है 2016 की, प्लस अभी कुशल युवा प्रोग्राम भी हुआ है जिसके द्वारा सर्टिफाइड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं यूथ को। तो सर हम उनका स्किल डेवलपमेंट अगर करते हैं, क्योंकि बिहार के युवा बहुत मतलब कुशल हैं, अगर हम उनको देखें मेहनत के हिसाब से, क्योंकि बिहार के युवा बाहर जाकर इतना अच्छा काम करते हैं, तो वो अपने राज्य के लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन सर जरूरत है उनके एनर्जी और पोटेंशियल को पहचानने। आप शिक्षिका भी है, इतना अच्छा जॉब छोड़ कर के आप बारे जितना अच्छा बोल रही हैं, तो हमें लगा कि नेतृत्व करना ज्यादा बेहतर होगा, खास करके बच्चों को सिखाए, क्यों प्रशासन में आना चाहते हैं? सर मैं शिक्षिका हूँ, तो लाइफ में सर मैंने देखा है बच्चों को बहुत करीब से कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं और क्या क्या समस्याएं कुछ मिलते हैं। मतलब हमारी सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स लागू किए हैं बच्चों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अभी तक वहाँ तक पहुँचा नहीं है। और सर जब हम ऐसे भी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। सर उसका दायरा बहुत कम हो जाएगा प्रशासन के तौर पर। मेरे शिक्षक है या नियमित शिक्षक है? नहीं सर, मैं जीआरएफ में हूँ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो भारत सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम है। हाँ। उसके तहत हमें पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ाना पड़ता है। कहाँ पढ़ा रही है? सर मैं जेएम भागलपुर, जगह बाजी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। यूनिवर्सिटी में कि कॉलेज में? सर पोस्ट ग्रेजुएट में, वहीं पर हम लोग अपना मतलब थीसिस भी तैयार करते हैं और वहीं पर हमें क्लास, क्योंकि सर काफ़ी कमी है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज, टीचर्स की काफ़ी कमी है बिहार में, इसीलिए ये बहुत अच्छा है। भागलपुर में पढ़ाते क्रम में कुछ अनुभव मिला, तो कितने बच्चे आ पाए थे यहाँ से आईएएस बन सकते हैं या अदर सेक्शन में डेवलप कर सकते हैं, कुछ लगा? हाँ सर, चूंकि वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, जो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि उनको लगा कि मतलब मैं उनकी शिक्षिका हूँ और मैं यहीं पर से रहकर मेरी पूरी पढ़ाई हुई है, सारी शिक्षा दीक्षा हुई है और मेरी राष्ट्रीय लेवल का एग्जाम निकाला, तो वो मुझसे बहुत प्रेरित होते हैं। प्लस जो मेरे क्लास की लड़कियां हैं वो भी बहुत मुझसे प्रेरित होती है, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है अगर उनको सही दिशा दी जाए, तो उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है सर, और वो मतलब चाहते हैं कि स्कूल में आए, किसी भी फील्ड में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो शिक्षक का हो, तो वो आना चाहते हैं, खासकर गर्ल्स आना चाहते हैं। विधि आयोग के बारे में बताइए। सर लॉ कमीशन भारत का जो है वो एक संवैधानिक तो मैं नहीं कहूँगी, एक एक्सक्लूसिव संस्था है, और उसके द्वारा सर समय समय पर कानून में क्या क्या
मतलब परिवर्तन है उसको देखा जाता है, उसके हिसाब से सरकार को रिकमेंड किया जाता है कि वो उसके हिसाब से। अभी कितना हो चुका है विधि आयोग? सर विधि आयोग अभी मेरे ख्याल 5 विधि आयोग हो चुके हैं। 15-16 के आसपास होंगे या 5? 14th लॉ कमीशन के बारे में मैंने सुना था सर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। चलो ठीक क्वेश्चन, जमीन को बेचा जाना चाहिए? जमीन सर हमारी जो अपनी मतलब प्रिंसिपल्स है उसके अनुसार तो हम उसे मां का दर्जा देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ जरूरत हो जाती है जिसके वजह से जमीन को बेचना पड़ जाता है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ महाभियोग के पक्ष में लाने की कोशिश की, क्या प्रोसेस है? सर महाभियोग हमारे उच्च संवैधानिक पदों पर जो जो हमारे लोग बैठे होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया होती है, तो जैसे वो राष्ट्रपति के लिए भी होती है। चीफ जस्टिस के सर आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में बताया गया है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को या जजेस को हटाया जा सकता है, उसे हम महाभियोग कहते हैं। उसके लिए सर अगर जैसे उनके खिलाफ कुछ ग्राउंड्स तैयार होते हैं, जैसे अगर उन्होंने अपने ऑफिस का दुरुपयोग किया है या फिर उन्होंने कोई करप्ट प्रैक्टिस की है, तो फिर संसद में उनके कुछ लगभग 100 लोग, लोकसभा में 100 मेंबर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा में लगभग 50, वो उनके लिए एक प्रारूप तैयार करके फॉरवर्ड करते हैं और उसके बाद सर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी कमेटी सेटअप होती है, चाहे वो लोकसभा फॉरवर्ड करे या राज्यसभा फॉरवर्ड करे, और उसके बाद सर अगर वो प्रूफ हो जाता है तो फिर सर 2/3 मेजोरिटी से उसे पास करना पड़ता है। दोनों हाउसेज अगर उसको पास कर देते हैं तो फिर वो हमारे राष्ट्रपति के पास जाता है। दोनों का आधार क्या होता है महाभियोग लाने का? सर राष्ट्रपति का भी और न्यायाधीशों का भी? सर राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग तभी चल सकता है जब उन्होंने संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो, और लेकिन उनके ऊपर करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए नहीं हो सकता है। चीफ जस्टिस में सर अगर उन्होंने अपने चेयर का दुरुपयोग किया है, अपने पावर का दुरुपयोग किया है और माल प्रैक्टिसेस में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी तो मैं सबसे अच्छा यही करता हूँ, यहाँ तो पहले बार भी जितने अच्छे थे ना कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, और आपका लगा कि प्रेजेंसी बहुत पॉजिटिव।